कक्षा 11 उपविषय मीराबाई के पद अभ्यास प्रश्न। पहला प्रश्न है, मीराबाई कृष्ण की उपासना किस रूप में करती हैं? वह रूप कैसा है? मीरा, इसका उत्तर है, मीराबाई कृष्ण की उपासना पति के रूप में करती हैं। उनका रूप बड़ा मनोहारी है। वे गिरी अर्थात गिरिराज पर्वत को धारण करने वाले हैं। वे अपने सिर पर मोर के पंखों का बना हुआ सुंदर शोभाशाली मुकुट धारण करते हैं। मीराबाई कृष्ण को अपना सर्वस्व मानती हैं। वे स्वयं को उनकी दासी कहती हैं। वे कहती हैं कि यदि सच्ची उपासना की जाए तो श्री कृष्ण की भक्ति को बड़ी सहजता से पाया जा सकता है। प्रश्न 2, भाव और शिल्प सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। काखंड है, आसुन जल सींच सींच प्रेम मेल होई, अब तबेल फैल गई आनंद फल होई। भाव और शिल्प सौंदर्य इस प्रकार है, आंसुओं जल सींच सींच, मीराबाई कहती हैं, मैंने अपने आंसुओं के जल को लगातार प्रवाहित करके, लगातार बहाकर, दिन रात रो रो कर श्री कृष्ण की प्रेम की बेल को बोया है। अर्थात श्री कृष्ण का प्रेम जो पैदा हुआ है ना, दिन रात मैंने रो रो कर प्राप्त किया है। अब तब बेल फैल गई आनंद फल हुई, अब प्रेम रूपी बेल बहुत विस्तार को प्राप्त हो गई है। अर्थात श्री कृष्ण से अब मेरा बहुत लगाव हो गया है, बहुत प्रेम बढ़ गया है, आनंद फल हुई, अब तो उनकी भक्ति में आनंद रूपी फल आने लगे हैं। अर्थात श्री कृष्ण की भक्ति से मुझे अब बहुत शांति मिलती है। इसका शिल्प सौंदर्य है, इस पद में, इन पंक्तियों में ब्रज भाषा मिश्रित राजस्थानी भाषा का प्रयोग हुआ है। नंबर 2, आसुअन जल, आसुअन जल प्रेम बेल और आनंद फल, इसमें रूपक अलंकार है। इसके अलावा सींची सींची, नंबर 3, सींची सींची, सींची सींची शब्दों में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। फिर बेल बोई और बेल फैली, इसमें अनुप्रास अलंकार है। ये पद संगीतात्मक है, यानी गाया जा सकता है, इसलिए गीता और संगीतात्मकता का गुण साफ दिखाई दे रहा है। तत्सम शब्दों का भी प्रयोग हुआ है। धन्यवाद।